नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको मैथ नहीं आता है, कुछ कम समझ में आता है, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको जीरो से मैथ आपको पढ़ा रहे हैं और यही एग्जाम में हर एक प्रश्न हूबहू आते रहते हैं। जैसे आपके सामने रहेगा बाबू, देखिए ये पहला सवाल है। कह रहा है बाबू कि तीन संख्याएं पान संबंधे, कितना बाबू पान संबंधे, देखिए सात संबंधे 13 के अनुपात में है, तो निम्न में से कौन सी संख्याओं का योग नहीं हो सकता है? क्या बाबू नहीं हो सकता है? नहीं होने का मतलब यानी कि जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको जोड़ेंगे, कौन सा ऑप्शन नहीं कट सकता है? चलिए अब आपके सामने बाबू यहाँ देखिए पांच है, उसके बाद आपका सात है और उसके बाद आपका 13 है। कहेंगे गुरु जी समझ में आ गया। अब जैसे ही इन सबको जोड़ेंगे बाबू, तो देखिए 13 में सात जोड़ेंगे 20, 20 में पांच जोड़ेंगे, आपका 25 आ जाएगा। अब 25 से कौन सा ऑप्शन नहीं कटेगा बाबू? देखिए आपका 400 कट जाएगा, 600 कट जाएगा, 1200 कट जाएगा, लेकिन 380 नहीं कटेगा। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला। मतलब जो नहीं कटेगा वही तो पूछा है हमसे। अब कैसे बाबू नहीं कटेगा? 380 को ले लीजिए और 25 से डिवाइड करिए बाबू, तो देखिए 5 से कटाइए, 5 पाँचे 25, इधर देखिए 5 साते 35 का 3 बचेगा, 5 छह के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 76 में 5 से भाग जाता है, 15 पाचे तो 75 होता है, लेकिन 76 होता नहीं है, इसलिए इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट। इसी नियम पर अगला सवाल हम लग लेते हैं बाबू। देखिए कह रहे यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, मतलब मेरे भाई 7 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर नहीं हो सकती। मतलब नहीं का मतलब जो नहीं कटेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 7 5 12 हो जाएगा, 12 से देखिए क्या आपका 50 कटेगा, नहीं कटेगा, यही हम लोग का उत्तर है। ये तो पूछा है कि कौन सा नहीं कट सकता है। तीसरा सवाल लेते हैं बाबू। तीसरा सवाल ये आपके सामने होमवर्क रहेगा बाबू, ठीक है। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ बाबू बोला है हो सकती है, हो सकने का मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से कटेगा, और कटने का मतलब मेरे भाई ये देखें 3:2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से इसमें से कौन सा ऑप्शन कटेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका हमें ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। कह रहे हैं कि यदि एक्स का 3/5, इधर देखिए एक्स का मतलब गुणा होता है, 3/3 कितना बाबू 5, बराबर वाई का मतलब गुणा होता है 4/9। जानते हैं जब बराबर होता है बाबू, तो अब आप मेरे लॉजिक के अनुसार चलिए, आप कैसे पढ़े हैं मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूं ये जानिए आप। जब बराबर हो तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ ऊपर 5 3 है और नीचे 5 है, तो उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यहां देखिए 9/3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ पाए। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 3 12, 3 का गुणा 9 में हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा। इसका काम खत्म, फाइनल उत्तर 20:27, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट है, 20:27 कितना, 27 बाबू। अगला सवाल लेते हैं हम लोग।
पढ़िए बाबू, कह रहे कि यदि पी का 4/7 तथा भाग क्यू का 12/14 भाग के बराबर है, पी संबंधी क्यू का मान बताइए। तो देखिए पी गुणते 4/4 कितना है बाबू, 7, बराबर क्यू गुणते 12/12 कितना है बाबू, आपका 14 है। आप चाहेंगे ना तो जो कटता है उसको कटा देते हैं। जैसे देखिए यहां पर 2 6 12 और 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। समझ पाए? अब फिर अब आपको उल्टा कर लीजिए। पहले से देखिए 7/4 हो जाएगा, यहां देखिए 7/7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए जब रेशियो होता है तो ऊपर ऊपर से कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है। तो देखिए 7 × 7 यहाँ 7 × 7 हो जाएगा। ये देखिए 2 × 4 और 2 3 कितना हुआ, 6, 1/2 है, 1/3 है, लघुतम आपका कितना हो जाएगा, 6, 2 3 6 यहाँ 3 आ जाएगा और 3 × 6 यहाँ 2 आ जाएगा। इसका काम खत्म, फाइनल उत्तर जो आ जाएगा मेरे भाई 3 संबंधी 2, यही उत्तर है। बहुत आसान होता है गणित बाबू, बहुत आसान। अगला सवाल लेते हैं, इसको पढ़िए। कह रहा है यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए संबंधी बी का मान बताइए। कितना आसान सवाल है, देखिए ए गुणते 2/2 कितना है, 3 है, बराबर बी गुणते 4/2 कितना है बाबू, 5 है। उल्टा कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 5/4। इसका एलसीएम मेरे भाई, या जानते हैं जब थोड़ा सा तेज हो जाएंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाता है, तो 4 3 12 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाता है तो 2 5 10 हो जाएगा। ये कट जाएगा 6 बार में और ये कटेगा 5 बार में, क्योंकि 2 6 12 और 2 5 10 यानी कि 6 संबंधी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी नियम पर हम लोग अगला सवाल लेते हैं बाबू, और आप हमें जरूर बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। देखिए यदि 3a = 4b = 5c हो तो a संबंधे b संबंधे c का मान बताइए। देखिए मित्र, इसके नीचे हम 1 रख देंगे, इसके भी नीचे 1 रख देंगे, इसके भी नीचे 1 रख देंगे, अब उल्टा हो जाएगा। 3/1 का मतलब 1/3, यहां देखें 1/4, यहां देखें 1/5, लघुतम कितना होगा बाबू, आपका 60 होगा। ये देखें 20 3 60, 4 से कटाएंगे 15 बार में और 5 से कटाएंगे 12 बार में, और इसका काम खत्म, फाइनल उत्तर 20 × 15 = 12। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला करेक्ट है। अगला सवाल लेते हैं बाबू, देखिए कह रहा है कि यदि 12a + 11b, देखिए एक तरीका और होता है बाबू ऐसे सवालों को, एक तरीका ये तो है, दूसरा तरीका क्या होता है, जानते हैं एक सवाल को लगाने के बहुत तरीके आते हैं बाबू, लेकिन जो आपको समझ में आ जाए आप लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहां है 3a = 4b = 5c, कहेंगे सर इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। यदि मुझे a का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बाबू, यदि मुझे a का मान चाहिए मतलब इसका मान चाहिए मुझे, इसका गुणा इसमें होता है, तो आप कहेंगे 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। 4 5 कितना हो गया बाबू, 20 हो गया, यदि हमको इसका मान चाहिए तो 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। दूसरी बात, यदि हमको b का मान चाहिए, किसका मान चाहिए बाबू, यदि हमको b का मान चाहिए तो देखिए b का मान कैसे निकालते हैं बाबू, यदि b का मान चाहिए तो इसको हम हटा देंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाता है, 3 5 15 हो जाएगा। अब यदि बाबू मुझे c का मान चाहिए, किसका मान बाबू, यदि c का मान चाहिए इस, एक सेकेंड रुकिए, यदि c का मान चाहिए पता है इसको हम हटा देंगे बाबू, इसको हम हटा देंगे, इसका गुणा इसमें तो 3 6 12, देखिए आपका उत्तर हो गया। तो जानते हैं एक सवाल लगाने के कई तरीके आते हैं, जो आपको समझ में आए उसी पर आप फॉलो करिए बाबू, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, जैसे यही सवाल देखिए, पता है देखिए यहाँ पर
12 A है, बराबर 11 B है, बराबर 35 C है। कहेंगे सर इतनी बातें मुझे समझ में आ गई, पता है इसको बंद कर दीजिए, ये दोनों हो जाएगा। तो कहेंगे 11 × 33 संबंध है, इसको बंद कर दीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, तो 12 × 33 हो जाएगा। अब इन दोनों को, इसको बंद कर दीजिए, ये दोनों ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 × 11 हो जाएगा। तो 11 से 11 3 33 और फिर 11 खत्म हो जाएगा, फिर 3 से कटाते हैं, तो ये 11 बार में कटेगा बाबू, ये 4 बार में कटेगा, और ये भी कितनी बार में, 4 बार में कटेगा, मतलब 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ये 4 बार में कटेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये तो 4 बार में कटा और ये 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 4 3 कितना 12, 11 संबंधे 12 संबंधे 4, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। तो ये नहीं कि आप ऐसे सवाल नहीं बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क है बाबू, है बाबू, एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं, होमवर्क है, मतलब इसका कमेंट में उत्तर देंगे। यह है 6A = 4B = 9C, इसका कमेंट बताएंगे कि इसमें से कौन आपका ऑप्शन होगा बाबू, हमें जरूर बताइएगा, हमें आपका उत्तर देके बहुत अच्छा लगेगा। यदि नहीं भी आता है, कहिएगा सर सवाल नंबर 9 हमको बता दीजिए, कमेंट करिएगा ऑफलाइन, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ये सवाल देखिए, ये भी वही सवाल है बाबू, यदि 3A = 6B = 9C है, 9C है बाबू, ठीक है, लिख दे रहे 3A = 6B = 9C, इसको भी आप जरूर बनाइएगा बाबू। कि जानते हैं कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बाबू, नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा बाबू, ठीक है, देखने से कुछ नहीं होगा। यदि कोई नदी में तैरता है तो आप बाहर से देखते रह जाएंगे, यदि आपको भी तैरना है तो नदी में तो उतरना पड़ेगा बाबू, बिना उतरे आप नहीं तैरना सीख पाएंगे, ठीक है, तो इस बात को गौर करिएगा आप। ये भी सवाल देखिए, मतलब एक टाइप के, मतलब ना हजारों सवाल आपके सामने रखे हैं। देखिए यहां देखिए 2A = 3B = 8C, तो ए संबंध है, बी संबंध है, सी का मान बताइए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3 के 24 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 3 × 6 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 12 8 3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान है। अगला सवाल लेते हैं बाबू, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए ए संबंध है बी है, बी संबंध है सी है, सी संबंध है डी है, और डी संबंध है ई है, लास्ट में पूछा है ए संबंध है ई का मान बताइए। देखिए बाबू, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, और कौन है, ई है, समझ में आ गया। देखिए ए का मान यहाँ 1 है और बी का मान 2 है, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे, कहेंगे सर आ गया, यहाँ बी है सी है, बी का मान 3 है, सी का मान 4 है, यहाँ आप 3 रखेंगे बाबू और इसी के सामने आप 4 रखेंगे, यहाँ देखिए सी का मान 5 है और डी का मान कितना है, 6 है, यानी कि यहाँ पर आपका बाबू 5 है और यहाँ पर आपका कितना है, 6 है। इसके बाद देखिए डी है, डी का मान 7 है और ई का मान बाबू कितना है, आप कहेंगे गुरु जी 8 है। मैंने आपको बता रखा है बाबू कि ऐसे बॉक्स बना लेते हैं समझने के लिए, और ऐसे बाबू पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, देखिए कितना आसान हो गया, समझ में आ गया। अब 2 के बाद देखिए इधर सब खाली है तो हर जगह 2 आ जाएगा, हर जगह 2 आ जाएगा, 4 के बाद खाली है तो हर जगह 4 आ जाएगा, 6 के बाद खाली है, हाँ 6 हो जाएगा, इधर देखिए 3 से पहले खाली है तो ये 3 हो जाएगा, 5 से पहले खाली है 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, 7 से पहले जगह खाली है तो 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान सवाल है, आसान ये है बाबू कि मुझे ए और ई का मान चाहिए, किसका किसका, ए और ई का, तो देखिए ए का मान ये है और E का मान ये है, तो सिर्फ हमको इन्हीं दोनों से मतलब है, बाकी सबसे नहीं मतलब। देखिए देखिए 3 5 15 7 105 हो जाएगा, इधर देखिए
इधर दो चौ के आठ, अठछक 48 हो जाएगा। अठछक कितना हो जाएगा बाबू? 48 हो जाएगा। और 48 गुणते 8 हो जाएगा, 48 गुणते कितना हो जाएगा? 8। अब इसको हम 3 से कटा सकते हैं, तो जब 3 से कटाएंगे बाबू, किससे बाबू? 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 35 बार में कटेगा, और ये देखिए 16 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 16 का गुणा 8 में करेंगे 128। 35 संबंधे 128, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला करेक्ट है। पहला तो ये रहा बाबू। यदि मुझे बी का भी मान निकालना होगा तो देखिए 2 3 6 5 30, 30 7 210, बी का भी मान निकाल सकते हैं हम। यहां से हम लोग सी का भी मान निकाल सकते हैं, यहां से हम डी का भी मान निकाल सकते हैं, सबका मान निकाल सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है बाबू, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, जब शुरू वाला और लास्ट वाला पूछे बाबू ना, तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबका गुणा। जैसे देखिए यहाँ पर एक संबंध है दो है, पहले देखिए ए संबंध है बी का मतलब ए बटे बी, गुणते बी संबंध है सी का मतलब बी बटा सी, गुणते सी बटे में डी, गुणते ई बटे में डी बटे में ई बाबू। समझ में आ गया? देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी, डी से डी कट जाएगा, तो ए संबंध है ई आपका बचेगा। उसी तरह से आप डायरेक्ट अब अंक पर आ जाइए। अंक में क्या कह रहा है बाबू? एक बटा दो है, कितना है? एक बटा दो है, गुणते यहां देखिए 3 बटे कितना है? 4 है। यहां देखिए बाबू 5 बटे 6 है, और लास्ट वाला देख लीजिएगा कितना है बाबू? आप कहेंगे गुरुजी 7 बटे में कितना है? 8 है। तो जो जो कटता है तो कटा दीजिए। देखिए 3 एकम 3, 3 गुना के 6, अब तो नहीं कटेगा, 5 7 35, ऊपर 35 आ जाएगा, नीचे देखिए 2 चौ के 8, 8 गुना के 16, 16 8 128, 35 संबंधे 128। देखिए इस तरह से भी आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट उसी के लिए है जब पहला और लास्ट का मामला पूछेगा, ए संबंध ई पूछेगा, तभी लगा पाएंगे। यदि पूछ दिया कि ए संबंध डी बताइए, तो ये कॉन्सेप्ट जो होगा ना, ये इसको नहीं हमको लिखना रहेगा, लेकिन कुल मिला के बाबू कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन हो जाएगा ना तो आप लगा नहीं पाएंगे और आप उलझ जाएंगे, इसलिए इसको हम यहां पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल बाबू, सवाल नंबर 13, ये देखिए यूपीएसआई का सवाल है बाबू। देखिए पी बटे क्यू का मान इतना है, क्यू बटे आर का मान इतना है, आर बटा यस का मान इतना है, यस अपान टी का मान इतना है, टी अपान यू का मान इतना है। तो कह रहा है बाबू पी गुणते क्यू गुणते आर बटा में यस टी यू, और पूरे का क्यू का मान बताइए। समझिएगा बाबू, देखिए पी है, क्यू है, आर है, यस है, टी है, और हम लोग का क्या है बाबू? यू है। यही है बाबू, समझाते हैं आपको। देखिए पी का मान 1 है, क्यू का मान 3 है, यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे, कहेंगे सर आ गया। क्यू संबंध है आर बराबर 2 है, तो कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 मानते हैं, क्यू का मान 2 होगा तो आर का मान क्या होगा? 1 होगा, यानी कि यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे। अब देखिए R का मान 1 है, यस का मान 2 है, तो यहाँ पर R का मान 1 रखेंगे और यस का मान क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम 1 मानेंगे, यस का मान 3 रखेंगे और टी का मान, यस का मान 3 रखेंगे और टी का मान 1 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ टी का मान 1 रखेंगे और यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 4। अब वही कहानी है मित्र बॉक्स वाली, ऐसे देख लीजिए बॉक्स हम बना देते हैं। ये समझने के लिए है बाबू, जब अपना 2-3 सवाल को लगा लेंगे ना, तो आपको बॉक्स मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तबला लेके खुद घूमते हैं, तो बक्सा लेके क्या करेंगे? यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा बाबू, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा,
यहाँ बाबू देखिए सब जगह एक आ जाएगा, सब जगह एक। तो देखिए 3 दुना के 6 हो गया, 3 दुना के 6 तिरी 18 हो गया। यहाँ देखिए तितली के 9 हो गया, यहाँ देखिए 3 दुना के 6 6 तिरी 18 हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 दुना के 6 हो जाएगा, और इसको देख लीजिए 3 दुना 6 चौके 24 हो जाएगा। समझ में आ गया बाबू? मुझे क्या चाहिए? चाहिए बाबू पी क्यू आर बटे में यस टी यू, पूरे का क्यू है बाबू, पूरे का क्या है क्यू है। पी का मान यहाँ पर कितना है 6 है, क्यू का मान 18 है और आर का मान 9 है। तो देखिए ऐसे हो जाएगा 6 गुणते 18 गुणते 9 पूरे के बटे में बाबू, यहाँ पर देखें 18 गुणते 6 गुणते 24 है, 18 गुणते 6 गुणते 24 अब पूरे का क्यू है बाबू। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 3 तितली के 9, 3 8 24, 3 का क्यू करना है, 3 का क्यू 27 होता है, 8 का क्यू करना है, 8 का क्यू 500 कितना होता है 12 होता है। सवाल खत्म। देखिए कितना आसान है, थोड़ा सा मेहनत है बाबू, मेहनत है क्योंकि बिना मेहनत का कुछ हो नहीं सकता है। कहा जाता है बाबू कि कामयाबी माथे की कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होनी चाहिए, माथे की पसीनों में होना चाहिए, और जो मेहनत करता है बाबू जीवन में कभी ना कभी जरूर कामयाब होता है और कामयाबी जरूर हासिल होगी। मुझे इतना भरोसा है कि मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है, ठीक है। और मेहनत इस कदर करिए कि सब कुछ बदल जाए, नसीब एकदम बदल जाए बाबू, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अभी 22 मिनट का क्लास हुआ, लगभग 30 मिनट का क्लास इसको रखते हैं बाबू। 14 नंबर देखें, ए संबंधे बी का मान दिया है, बी संबंधे सी का मान दिया है, सी संबंधे डी का मान दिया है, ठीक है। तो पूछा है ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान बताइए। देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। ए का मान 2 है, बी का मान 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 5 है। यहाँ बी का मान 4 है, सी का मान 7 है, यहाँ 4 है बाबू और यहाँ क्या है 7 है। अगला देखें, 9 है 14 है, यहाँ 9 है और यहाँ कितना है 14 है। हम ऐसे बाबू बॉक्स बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए मित्र कि जब यहाँ 5 है तो ये सब जगह 5 हो जाएगा, ये 7 है तो इधर 7 हो जाएगा, 4 है तो इधर 4 हो जाएगा, 9 है तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसका गुणा इधर करके लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिएगा, फिर इसको लिख दीजिएगा, फिर इसको लिख दीजिएगा। बाबू थोड़ा सा करिएगा, जरूर जरूर रिक्वेस्ट है बाबू, करिएगा जरूर, हम आपके लिए मर रहे हैं, ठीक है। अभी मत सोचिएगा कि सर कैलकुलेशन छोड़ दे रहे, नहीं बाबू करना है। देखिए 2 चौके 8 8 9 72 तो करना पड़ेगा बाबू, करिएगा जरूर, छोड़िएगा मत, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा ये लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब है बाबू, चलिए अब सही हो गया होगा। यहां देखिए लाइट डिस्टर्ब है थोड़ी सी, कोई बात नहीं है। देखिए ए है, बी है और सी है, 2 संबंधे 3, यहां 2 रखेंगे, यहां 3 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे और यहाँ क्या रखेंगे 6 रखेंगे। अब इधर देखिए बाबू ये 3 है तो यहाँ भी 3 रखेंगे, ये 5 है तो यहाँ भी 5 रख देंगे। अब सवाल खत्म हो गया, नहीं लगा सकते हैं, जरूर बताइएगा कितना आएगा बाबू, हमें उत्तर का इंतजार रहेगा। ये आपका होमवर्क है, सवाल नंबर 16 होमवर्क है, हमें जरूर बताइएगा 16 का कितना उत्तर आएगा बाबू। चलिए सवाल नंबर 16 के बाद हम लोग लेते हैं बाबू 17 पर। ये देखिए
ये भी होमवर्क है, ए संबंध है बी का मान दिया है। हाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा बाबू, देखिए यहाँ ए है बी है, यहाँ सी है बी है, मतलब कौन दो बार है, बी दो बार है, तो जो दो बार होता है वो हमेशा बीच में होता है। जैसे देखें यहाँ ए रख दीजिएगा, बी रख दीजिएगा, सी रख दीजिएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, यहाँ देखें सी की वैल्यू 3, अब बी की वैल्यू 4, तो बी का रखिएगा यहाँ 4 और सी का मान 3, ये 5 है तो इधर 5, ये 4 है तो इधर 4, इसी को लगा दीजिएगा आपका उत्तर आ जाएगा बाबू। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, ठीक है, लाइट थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं, या रुक जाइए। देखिए कहेंगे सर बीच मझधार में क्यों छोड़ देते हैं, 1/4, 1/3, 1/2, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 आ जाएगा, 4 तियाई 12, 3 चौके 12, 2 छके 12, मतलब इसका काम खत्म हो जाएगा। ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान कितना, 6, यहाँ रख दीजिएगा, रखेंगे बाबू तो आ जाएगा 3/4, फिर 4/6, फिर आ जाएगा बाबू 6/1, ए का मान 3, अब इसी को लगाना है, ये हो जाएगा 2 × 4 और 2 × 3 = 6, ठीक है, 3 × 6 और इसका मान 1, 3/4 हुआ, यहाँ 2/3 हुआ और यहाँ 2/1 हो जाएगा, लघुतम आपका 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, तितली के 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 × 8 हो जाएगा और ये 12 × 24 हो जाएगा, इसका काम खत्म, 9, 8, 24, यानी कि देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही रहा बाबू, बहुत अच्छा। अगला सवाल लेते हैं, ये देखें ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, सी डी का मान दिया है, डी ई का मान दिया है, पूछा है बी ई का मान, ठीक है, हम ए बी सी डी और ई, ए का मान 1, बी का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4, सी का मान 2, डी का मान 3, डी का मान 3 और ई का मान कितना, 4 बाबू, ठीक है। अब आपको समझाते हैं मित्र, कितना आसान है बाबू, यहाँ 2 है तो हर जगह 2-2 रख देंगे, 4 है तो हर जगह 4-4 रख देंगे, 3 है तो हर जगह 3-3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, इधर 3 और यहाँ पर भी बाबू 3 और यहाँ पर भी 3, तो मुझे किसका किसका मान चाहिए बाबू, बी और ई का, तो बी का ये है, देखें ये है 2 × 6 × 12, 12 × 3 = 36 हो जाएगा, इधर देखे 2 चौके 8, 3 × 24, 24 चौके 96 हो जाएगा, सही रहा, 36 को 96 से कटा लीजिएगा, आपको मालूम है 12 × 36 होता है और 12 × 96 होता है, मतलब 3 × 8 आ जाएगा, 3 × कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बाबू, बहुत आसान होता है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आप लगाइएगा जरूर, सवाल नंबर 20 बाबू, इस वीडियो में सिर्फ 20 ही सवाल रहेगा, इसको भी जरूर बनाइएगा। हाँ थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्योंकि तो अलग आ गया, देखिए ए है बी है सी है और डी है, ठीक है, ए का मान कितना है बाबू, 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान 5 है, अब आगे पढ़िए, फिर सी का मान 2 है और डी का मान कितना है, 5 है, ये 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अब लगा लीजिएगा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, लगा लीजिएगा अपना। एक सवाल और इसी पर दे देते हैं, पी क्यू आर का मान दिया है, आर एस का मान दिया है, पी संबंध यस का मान पूछा है, आप जरूर लगाइएगा, कमेंट करिएगा बाबू, और आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबू, ये वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं, कल इसका दूसरा पार्ट भी हम अपलोड करेंगे, लेकिन एक शर्त है, मेरे यहाँ नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है कि हम आपको लाइव पढ़ा सकें, तो बाबू इस वीडियो का जो लिंक होगा अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिएगा, जरूर जरूर लगाइएगा बाबू, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, आपसे बहुत बहुत नम्र निवेदन है बाबू, क्योंकि आपका सहयोग मेरे लिए अमूल्य है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।